नमस्कार, मैं निशांत उगले लेकर आया हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। न्यूज बुलेटिन में मैं आपको रूबरू कराऊंगा शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से, पर शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथ दर्शक सुविचार से। अब जीने की राह के बाद देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप सुर्खियां। और ये थी आज की टॉप सुर्खियां और सुर्खियों के प्रायोजक थे। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब चलिए आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। अक्षय तृतीया के मौके पर जनता सोना खरीदी करती है। इस बात को ध्यान में रखते भारतीय डाकघरों में 7% की छूट पर 13 मई से 30 जून तक देश के 800 डाकघरों में 99% शुद्ध सोने के 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम के सिक्के बेचने का प्रावधान भारतीय डाकघर विभाग द्वारा किया गया है। देश के 800 डाकघरों में 7% की छूट पर 99.99 शुद्धता के सोने के सिक्के बेचने की सूचना शासन द्वारा प्रकाशित की गई है, लेकिन अमरावती की जनता इस सुविधा से सर्वथा वंचित रहेंगी। इस संबंध में महानगर के प्रवर अधीक्षक, डाकघर के प्रवर अधीक्षक सहाड़े साहब से बात करने पर उनका कहना रहा कि यह सुविधा अमरावती को उपलब्ध नहीं होगी। अगर जनता डिमांड अर्जी देवे तो वे उस अर्जी को अपने उच्च अधिकारियों को भेज सकते हैं। हम सरेआम इन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, क्या देश के चुनिंदा 800 पोस्ट ऑफिसों में अमरावती पोस्ट ऑफिस इतना क्षुल्लक है कि उसकी गणना ही नहीं की जाती। अमरावती डाकघर को घटिया दर्जा दिलाने के प्रयासरत अधिकारियों के कृत्य को जनता सराह नहीं सकती। जनता अगर पोस्ट ऑफिस से सोने के सिक्के खरीदने इच्छुक हो तो वे अपनी अर्जी संबंधित डाकघरों को दे सकती है। बाकी तो अर्जी आपकी और मर्जी प्रवर अधीक्षक की ही होगी। भले जिलाधीश राहुल रंजन गैर हाजिर हो, लेकिन लोकशाही दिन का आयोजन विधिवत हो रहा है। ये बात दिगर है कि लोकशाही दिन मात्र दिखावे का पूर्ता ही रह गया है। दिनांक 6 मई को कलेक्टर ऑफिस के लोकशाही दिन में करीब 11 शिकायतें प्राप्त हुई। हालिया जिलाधीश डोंगरे की उपस्थिति और अनुपस्थिति में आयोजित जिलाधिकारी कार्यालय का लोकशाही दिन मात्र मखौल बनकर रह गया है। लोकशाही दिन बैठक में मात्र आलिया का दाव मालिया पर साबित हो रहा है। जनता की शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसा जनता का अभिप्राय बन चुका है। लोकशाही दिवस मध्ये कशा करता आले? हे आपल्या टॅक्स पावती जे आहे त्याच्यावर माझं नाव म्हणजे खोडलं गेलेलं आहे, म्हणजे धर्माजी महाराज संस्थानतर्फे आहे ती जागा, त्याचं नाव म्हणजे मी भोगोटा राव साहेब। बरं, तुम्ही कंप्लेंट दिली इथे बरोबर, त्यांनी ऐकलं का तुम्ही? हो ऐकलं साहेब। माझा फार मोठा, माझी बँकेत जास्तीने केस नाही जिंकून टाकली, माझ्या कोर्टाची ऑर्डर माझ्या त्या गहाण करून घेतली आहे ट्रॅक्टर, आणि 5 वर्षाचा अग्रिमेंट आहे, आणि 1.5 वर्षात ट्रॅक्टर नेऊन विकून टाकला।
तुम्ही साहेबाला भेटले का? साहेबाला भेटले का इथे? नाही, आता साहेबांना भेटू भेटू सातच्या रखड्यापासून तिच्या बाजूपासून आहे साहेब. यांच्या जो नीलचा दाखला असता यांच्यावर पुढच्या चढला कसा त्या बाईनं ती बाई एक कलेक्टर या समितीच्या रखड्याला फोन केला तहसीलदाराला यांच्याजवळ नीलचा दाखला असताना पुढच्या चढला कसा. विगत दिनों उजागर भ्रष्टाचार के चलते सेतु तथा अन्य धान्य वितरण अधिकारी द्वारा रेशन कार्ड का नाम लेते ही कानों पर हाथ रख दिए जाते हैं और किसी प्रकार की सुनवाई सर्वथा बंद है. जनता निराश होकर लौट जाती है और अधिकारी कर्मचारी अपनी मस्ती में मस्त है. जिलाधिकारी कार्यालय का अन्य धान्य विभाग रेशन कार्ड जो मूलभूत सुविधा है, ये रेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए फॉर्म्स भरना जरूरी है और वे फॉर्म पिछले कई दिनों से, करीब दो महीने से कहा जा सके तो बंद है. अनेक अधिकारियों से पूछने पर उनका कहना यह होता है कि मंत्रालयीन चौकसी शुरू होने के कारण सारे फॉर्म वगैरह देना बंद है. अभी तक उनके पास में कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं. जनता हलाक हो रही है, परेशान हो रही है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है. उनकी इंक्वायरी के लिए वे फॉर्म देना बंद करके बैठे. लाइसेंस क्लब ऑफ मेट्रो की ओर से समाज के उपेक्षित अंध अपंग गरीब लोगों को कपड़े बांटने का सामाजिक दायित्व निभाया गया. इस अवसर पर सुरेखा लुंगारे, डॉक्टर गोविंद कासट, उधम सिंह ठाकुर, पद्मा महल्ले, देविका गणोरकर, रत्नमाला जाधव, करुणा विरुलकर, अनुराधा जाधव, आशा चुनघरे, शोभना देशमुख प्रमुखता से उपस्थित थे. महानगर पालिका में यथावत लोकशाही दिन का आयोजन दिनांक 6 मई को आयुक्त डोंगरे की उपस्थिति में संपन्न हुआ. यूं तो शासन ने जनहित में लोकशाही दिन की कल्पना कर उसे क्रियान्वित किया, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती से लोकशाही दिन पर से जनता का विश्वास उठ सा गया है. फिर भी अपनी समस्याएं लिए जनता शासन के दरबार में दस्तक तो देती ही है. रहीमापुर में प्रदर्शनकारी की पिटाई का मामला अब रंग लाया. थानेदार हेडक्वार्टर अटैच तो दो सिपाही हुए निलंबित. चार की जांच अभी भी है जारी. रात्री दोन दीड वाजता 2 तारखेला पोलिसांनी मला दुसरी अमानुषपणे मारहाण केली, त्यामुळे माझी परिस्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. व आज मला समजले की त्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यातील 3 जणे अजूनही निलंबित झालेले नाही, करता माझी मागणी निलंबित करीत आहे. त्यांना त्वरित निलंबित करावे ही माझी याचना आहे सरकारकडे. शहरीकरण के कारण लोप पाता पर्यावरण और ग्राम्य संस्कृति पर चिंता व्यक्त करते काव्य बहुत याद आता है. को महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल ने पुणे द्वारा 12वीं की कक्षा के लिए प्रकाशित पुस्तक भारती में समाविष्ट किया गया है. डॉक्टर ज्योति व्यास द्वारा रचित इस काव्य के सम्मान पर ज्योति व्यास ने कहा, यह मेरी मातृभूमि का सम्मान है. ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने इस वक्त दी. केवल दुकानें बांधने के लिए अंजनगांव सुरजी स्थित पुरातन धर्माजी महाराज संस्थान का मंदिर ध्वस्त करने का कारनामा कुछ लोगों द्वारा किए जाने की घटना प्रकाश में आई है. सदा सर्वदा ताजे समाचारों के लिए धूप बारिश ठंड की परवाह न करते अनेक विपरीत परिस्थिति में काम करने वाले पत्रकारों को सुविधाओं के लिए पत्रकार भवन बनाने का प्रस्ताव शिक्षण सभापति मिलिंद बांबल द्वारा आगामी मनपा सभा में रखा जाएगा. अमरावती शहरातील जे पत्रकार आहेत, दैनिकची असं साप्ताहिकची असं, जे बिचारे दिवसभर फिरून आपल्या पत्र न्यूज जमा करतात, अशा सर्व पत्रकारांसाठी अमरावती मनपा क्षेत्रामध्ये पत्रकार भवन व्हावे आणि ते जागा मनपाने उपलब्ध करून द्यावी यासाठी येणाऱ्या आमसभेमध्ये मी एक प्रस्ताव टाकणार असून, या प्रस्तावामध्ये मनपा क्षेत्रातील सर्व पत्रकारांसाठी एक पत्रकार भवनासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी ही मागणी मी प्रामुख्याने करणार आहे. पाकिस्तान से पधारे हमारे मेहमान सिंधी बांधव को हमारा मुल्क स्नेह शांति भरा प्रतीत होने से बेहतर मुल्क की तलाश में हिंदुस्तान वे बसने इच्छुक है. इसी की कानूनन खानापूर्ति के लिए बाल बच्चों समेत जिलाधीश कार्यालय के चक्कर पर
चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन यश प्राप्त नहीं हो रहा है। ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे, हिंदुस्तान बेहतर मुल्क है, इसीलिए शांति प्रिय कौम यहाँ बसने इच्छुक है। लेकिन हमारा सरकारी महकमा दूर दराज से आए माता भगिनी और बच्चों के प्रति उदासीनता लिए सरकारी मामला 18 महीने थामला का गणित पढ़ाया जा रहा है। कहाँ से आए आप? हम पाकिस्तान के। अच्छा, तो यहाँ काय के लिए आए? सिटीजनशिप की अप्लाई किया है, फाइल किया हुआ है। सिटीजनशिप की अप्लाई किया? अच्छा, फाइल दिया हुआ है उसका साइन कराने के लिए। अच्छा, तो वो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? होने गए उसके लिए बैठे। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? परसों आए थे, परसों शनिवार को, शुक्रवार को। नहीं हुआ काम आपका? नहीं, उस दिन तक टाइम नहीं आ गया, आवाज आए अभी टाइम दिया हुआ है। अच्छा।